हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और ये है सुबह का टाइम और बज रहे हैं 6, तो मैं ताला वाला खोल देती हूँ अपना। और गुड मॉर्निंग आपको, हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग सभी को। और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम कर लेते हैं सुबह का काम। तो स्टार्ट होता है पहले ताला खोलने से, फिर लगेगी झाड़ू, फिर बनेगी चाय। तो पहले झाड़ू ही लगती है सबके यहाँ सुबह की, और ये सबके ही यहाँ ये वाला काम होता है झाड़ू लगाना। तो हम झाड़ू लगा लेते हैं। और सच्ची बड़ा सुकून वाला टाइम होता है सुबह सुबह का। और 6 बजे उठो, एकदम बहुत शांति होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो झाड़ू लगा लेते हैं, पूरे घर में लगती है हमारे झाड़ू और सभी के यहाँ लगती है झाड़ू ये वाली। तो हमारा सुबह से, मेरा 6 बजे से स्टार्ट काम हो गया है, लेकिन मुझे सांस नहीं मिलेगी 2 बजे तक। तो हमारा 2 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ काम, चाहे 6 बजे उठो चाहे। और अब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर हमारा रूटीन कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए खाने के लिए, और बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पूरे दिन खाएं जैसे। तो आप देखना मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के फेवरेट ही बनाऊँगी। और ये चीज़ ऐसी है, जैसे ज़्यादा बन जाती है तो बच्चे पूरे दिन ही खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खाते हुए ये वाली चीज़ें। तो आगे बताती हूँ क्या बनाती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में, तो बनाने लगी थी चाय। और ये है बिल्कुल सुबह, और हम हस्बैंड वाइफ बैठकर इस टाइम चाय पीते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता इतना बैठने का, तो सुबह के टाइम ही थोड़ा सा मिलता है। फिर हमारा नाश्ता वगैरह की तैयारी हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है, चाय पीते हैं तो हम। फिर अब मैं करेले, देखो अब ये मैंने कर लिए थे, मैं दिखा रही थी आप, और सुबह का टाइम है तो ये मैंने धो धा के रख दूँगी, तो फिर ये जल्दी से बन जाएंगे। और सिंक मेरी बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, चाहे सुबह हो या रात हो या दिन हो, जब भी बर्तन मांजते हैं तो सिंक पर हाथ मारना मैं नहीं भूलती, क्योंकि ये ही अगर साफ़ ना हो तो रसोई साफ़ नहीं लगती। और सबसे मेन पार्ट होता है इसका, और इसमें बर्तन भी पड़े रहें ये भी बहुत गंदे लगते हैं, तो मैं पहले इसकी सफाई करती हूँ अपने रसोई की। तो बर्तन देखो बच्चे, बेशक मैं अपनी रसोई को साफ करके रात को सोती हूँ, पूरा क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत गंदी हो जाती है। और मैं पी लेती हूँ एक गिलास पानी, और मैं देख रही हूँ टाइम कितना हो गया। तो हस्बैंड को चाय भी देनी है, क्योंकि उनको उठाना है, फिर वो तैयार होगा। देखो बच्चे सो रहे हैं, तो फिर पी लेते हैं चाय। फिर भी देखो, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पी लेंगे। तो बच्चे भी देखो, काव्या सो रही है, काव्या सोती है हमारे पास, आदि बाहर सो जाता है, आदि और ओम दोनों सो जाते हैं बाहर। और अभी पूजा पूजा हो गई है, तो अब हम तैयारी कर लेते हैं नाश्ते की। तो हम बनाते हैं आज अपने हस्बैंड के लिए पनीर का पराठा। तो पनीर रखा है मेरा, पनीर पानी में डाल के रख दिया था, और प्याज को मैं पानी में थोड़ी सी रख देती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल चली जाएगी थोड़ी सी, जैसे हमें इसे काटने में भी आसानी रहेगी। और आज बनेगा राजमा, और करेले बनेंगे, और चावल बनेंगे बच्चों के फेवरेट। तो पहले मैं रख देती हूँ चाय बनने, रख देती हूँ। पूजा करने जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मेरी भी पूजा वूजा सब हो गई है। तो ऐसे ही काम चलते रहेंगे हम सुबह से हमारे। और फिर मैं आ गई थी नहा धो के, तो फिर मैं बनाने लगी थी मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो फिर मैं बना रही थी, और देखो इसमें पनीर है, मैं दिखा रही हूँ, पनीर घर का है, दूध फट गया था। तो फिर मैं बना दूँगी पनीर के पराठे। तो पनीर के पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज वगैरह मैंने नहीं डाली इसमें, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो प्याज वगैरह मैं नहीं सोचती, भगवान जी का भोग भी लग जाता है अगर हम बगैर प्याज के बनाते हैं या कुछ करते हैं। तो पराठा बना रही हूँ तो भगवान जी का भोग भी लग जाएगा, पनीर का पराठा है, और डबल पर्त करके बना रही हूँ मैं पराठा। तो पनीर का पराठा या किसी का भी, जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी सा है उसमें, तो फिर मैं डबल करके ही बनाती हूँ पराठा। तो बहुत अच्छा पराठा बना था, टेस्टी बना था। और फिर मैं आ गई थी, नाश्ता बना लिया था, मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। फिर ये था सुबह का ही टाइम है, बज रहे होंगे 9:30 का टाइम होगा। तो फिर मैं अपने खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को चाहिए, राजमा बना रही हूँ। तो बच्चों को राजमा बहुत ही फेवरेट होते हैं, और ये बार बार मांगेंगे तो मैं इसको दे दूँगी, नहीं तो इनका यही होता है कि बार बार चाहिए, मामा भूख लग रही है, भूख लग रही है, कहाँ से लाओ बार बार बनाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जो कि ये बार बार इनके लिए ना बनाना पड़े। तो फिर मैं राजमा और चावल बनाऊँगी, और
सबके फेवरेट होते हैं ये वाले, बच्चों के तो फेवरेट होते हैं राजमा छोले चावल कढ़ी चावल, तो ये ही। और आजकल गर्मियां हैं तो चावल इतने नुकसान नहीं करते, वैसे हमारे इतने जैसे चावल नहीं बनते, लेकिन राजमा चावल वगैरह बनते हैं। और फिर कर लूँगी मैं रसोई की क्लीनिंग, तो साथ के साथ करते जाओ तो जल्दी से हो जाती है क्लीनिंग, तो बहुत अच्छा अच्छे से काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है और हम सबके संग काम करते रहते हैं। तो और ये मैंने दही जमा दिया है, एक लोटा दही जमा दिया है, तो ये काम आ। और देखो ये लड़की ने मेरी ने दूध चाय पी रही है, और देखो गेम हो गया सुबह से स्टार्ट, और इनकी छुट्टी है फुल मजे ले रही है। तो हम राजमा वगैरह बना रहे हैं, काव्या का फेवरेट है काव्या, और करेली बना काव्या उसके साथ करेले खाई। बता तो दे, बता दे। अच्छा अच्छा फ्रेंड कर, जय माता दी। और आज काव्या के फेवरेट बन रहा है राजमा चावल, और बहुत बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो अभी मेरी रसोई देख सकते हो, आधी रसोई मैंने साफ कर दी है, और ये प्याज मैंने दिखाई थी आपको, पानी वगैरह दी है। अब ये मैं साफ करूंगी राजमा, आधी रसोई साफ करने के बाद में मैंने ये सब कुछ कर दिया है, तो मिलेंगे थोड़ी देर में। और फिर मैं बनाने लगी हूँ सूखी सब्जी, बनाऊंगी आलू की नहीं बनाऊंगी, सॉरी करेले बनाऊंगी आलू की। देखो कई बार ध्यान नहीं रहता, तो करेले की सब्जी, करेले की भरे हुए बनाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं राजमा के लिए बना रही हूँ, राजमा के लिए मैंने मसाला छौंका है, तो फिर करेले भी बनेंगे साथ में, दोनों ही चीज़ बनेंगे, भरमा करेले भी बनेंगे और सूप और राजमा भी बनेगा। तो फिर आ गई थी मैं अपने, देखो अब मेरा मसाला हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर मैं सोच रही थी चलो ये भी काम कर लेती हूँ। तो ये गद्दे हैं ना, ये ब्लैक कलर के हैं हमारे, गद्दे ब्लैक कलर के नहीं है सॉरी, कवर ब्लैक कलर का चढ़ा हुआ है, तो मैं सोच रही थी इसकी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े काल जैसे वाइट वाइट सा आ जाता है, मिट्टी सी आ जाती है, तो मैंने ये इसकी भी सफाई कर दी थी। फिर बिछा दूँगी मैं बेड शीट, तो ये वाले भी काम मैं साथ के साथ करती जाऊँगी। और रसोई में मसाला धीमी आंच पर कर आई हूँ, तो ये हम जैसे छोड़ छोड़ के हम इन कामों को भी कर लेते हैं, और हमारी सफाई भी हो जाती है, तो सभी करते हैं ऐसा बीच बीच में, जैसे रसोई में से निकल कर अगर हमारा मसाला वसाला हो रहा है तो फिर हम आ जाते हैं इधर। तो और मेरी रसोई में और उसमें ज़्यादा जैसे स्पेस नहीं है, जैसे स्पेस सॉरी वैसे जगह जैसे पास ही में है, तो मैं जल्दी जल्दी जाकर देखती हूँ। और मेरा बन गए हैं राजमा, और बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो फिर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी इनको, राजमा को, और खूब सारे राजमा बनाए हैं मेरे, शाम तक चले थे और बहुत टेस्टी बने थे। तो ये राजमा वगैरह, और देखो अभी ये हमारा ट्राईपॉट आया है, और पहले खराब आ गया था, तो अब रिंग लाइट है सॉरी, ट्राईपॉट भी है रिंग लाइट, और मैं जैसे शॉर्ट वगैरह बनाती थी तो ऐसे ही बनाती थी, तो रिंग लाइट आ गई है, और पहले थोड़ा सा इसका डंडा पिचका हुआ था आ गया था, तो ये बीच में आदि ने ले लिया है, रिसीव कर लिया है, मैं बाहर गई थी लेकिन आदि ने ले लिया था फिर, और मैं अपना काम कर रही हूँ, और मैंने जैसे बेडशीट वगैरह सब कर दी है, जैसे बीच बीच में काम करती जा रही हूँ अपना। और इसका मसाला मैंने अलग पीस लिया था, ये सौंफ का, और सौंफ है, आमचूर है, आमचूर खट्टी आजकल चल रही है हरी आम, तो करेला इसी से अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। इसके मसाले को भून लेंगे करेले को, और ये मैंने धो लिए हैं, और दो तीन घंटे के लिए मैंने नमक लगा के चढ़ा के रख दिए थे, फिर दोबारा धो लिया क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाता। तो अब इन्हें भरेंगे, भरमा करेले बनाएंगे, और बन रहे हैं राजमा। फिर आ गई थी मैं रसोई में, तो देखो फिर मैंने अपने करेले वगैरह देखो कर लिए हैं, ये मैंने फ्राई कर लिया था मसाला जैसे तेल में डालकर, थोड़ा सा प्याज थी और इसका ही मसाला, प्याज टमाटर वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, प्याज और सौंफ में बनते हैं ये, और हल्दी मिर्च होते हैं। तो फिर भैया भी आ गए थे और अलीगढ़ जा रही हैं मुस्कान, तो फिर मैं चाय भी बनाने लगी थी। तो लगातार मेरे काम ऐसे ही चलते रहते हैं, और आप देखना 2 बजे से पहले मेरा काम नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि काम ऐसे ही चलते हैं। और देखो सुबह तैयारी कर दो या कुछ भी कर दो, फिर भी वही टाइम हो जाता है। और फ़ोन आ गया था दीदी का, तो ये करेले भी मैं अब अलीगढ़ भेजूंगी, क्योंकि भैया को बहुत पसंद है। तो मुस्कान कहने लगी पापा को बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं प्याज वाले करेले, क्योंकि दीदी नहीं खाती प्याज वगैरह। तो फिर मुझे देखो अपनी
ये भी मैंने साफ़ किया था, ये मेरे खूब ठूसा ठूस भर रहा था तो फिर मैंने ये भी सफाई करी थी। और पूरा फ्रिज भी अगर दिख जाए ना गंदा तो फिर हाथ मारना ही पड़ता है और लगता है कि इसे भी साफ़ कर देते हैं। ये हमारे रसोई का जैसे एक पार्ट ही है कि हम इसकी सफाई ज़रूरी है। फिर मैं इधर की भी सफाई कर दूँगी, गद्दे वगैरह, और ये बच्चे कर देते हैं ज़रा भी, देखो मैंने पहले भी कर दिया था लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, इस पर बैठते हैं बेड शीट पर तो फिर हो जाती है। सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। और आजकल सोफ़ा के कवर तो किसी के जैसे हमारे तो नहीं हो रहे, और अभी ये ढंग से नहीं हुआ, उधर बेड शीट रह गई है तो हमें वीडियो में दिखता है कि देखो हमारी बेड शीट कोने में रह गई थी। तो फिर सारे बच्चे चले गए हैं पले घर, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, और उनका 11 बजे का टाइम है, चले जाते हैं, कभी वहाँ आ जाते हैं कभी यहाँ आ जाते हैं। तो देखो सोफ़े के कवर मैंने नहीं बिछाए और ज़्यादातर अब नहीं बिछाऊंगी, तो मेरा भजन भी चलता जा रहा है और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। और मुस्कान को जाना है अलीगढ़, तो भैया वगैरह भी आ गए थे, चाय बना रही थी, आपने देखा था, और भैया पले घर चले गए हैं। तो आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और इसके फेवरेट हैं राजमा चावल, खा के बताइए। ये ग्रेनाइस ग्रेनाइस है और टेस्ट करके बताइए। मुंह में पानी आ रहा है इसके, अच्छे बने बिल्कुल। और फिर आ गई थी, और आजकल ये काम बहुत ज़रूरी है अचार का, और आजकल सबके यहाँ अचार पड़ रहा है आम का, और आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने भी ले लिए थे 7 किलो आम ले लिए थे। तो अब इन्हें मैं सुखा रही हूँ, पहले चरा दिए थे मैंने पानी नमक और हल्दी में डाल के, तो फिर मैं इन्हें सुखा रही हूँ, दो तीन दिन इन्हें धूप दिखानी है मुझे, तो फिर मैं करके आ रही हूँ। और फिर मैं आ रही थी अंदर और फिर इन बच्चों को दे रही थी राजमा चावल, और देखो ये सब आ गए हैं, तो दे रही हूँ राजमा चावल। कूलर चल रहा है हमारा, तो कूलर हमारा इतना अच्छा है सच्ची, बाहर से लगा हुआ है तो एक एसी का काम करता है। और देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इनकी तय बनानी है, इन्हें सीधे करके रखना है। ये प्रेस के कपड़े हैं मेरे, तो अब ये प्रेस करनी है, तो मैं अपने कपड़ों की भी को भी लगा देती हूँ, और अलमारी सही लगे रहे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये प्रेस के कपड़े मैं ऊपर वाली साइड में ही रखती हूँ क्योंकि मुझे प्रेस करनी होती है, और इकट्ठे मिल भी जाते हैं तो मैं रख देती हूँ। और मुस्कान की जाने की तैयारी हो रही है, तो अभी तो नहीं जाएंगी, 1:30-2 बजे जाएंगी, तो दुपट्टा ले रही हूँ। बन गई है मेरी सिंपल सी थाली, और मुस्कान जा रही है अलीगढ़, तो तैयारी कर रही है, दिखाती हूँ मैं तुम्हें तैयारी कर रही है क्या पहन रही है, देखती हूँ। और ओम नहीं जा रहे, ओम का बहुत मन लग रहा है यहाँ पर, तो थाली दे देती हूँ भैया को। जा रही है अलीगढ़, छुट्टियां हो गई हैं इनकी। और बज रहे हैं 12:30, और सारा काम हो चुका है, खाने वाना सब हो गया है, और मुस्कान जा रही है, मुस्कान की तैयारी हो गई है, बैग वैग सब लगे हैं। और देख लो अभी अभी और भी कुछ कर सकते हैं बच्चे, गंदा संभा, अब इनकी छुट्टियां चल रही है, इन्होंने सुबह से प्राण पी लिया हमारे, जान ले लिए इन्होंने हमारे, कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हैं, कवाओगी है, और इसका मन नहीं लगता। तो अब मैं आराम से थोड़ी देर, अब मुंह धो के आई हूँ, आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर, और मुस्कान जाएगी 1 बजे, तो अभी तो 12:30 बजे हैं, तो मैं वीडियो का एंड करूंगी और आराम से अब आराम करूंगी। सुबह 6 बजे से लग रही हूँ मैं, तो मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।